क्या आपको IAS बनना है या आपको CA क्वालिफाई करना है, या नीट की एग्ज़ाम निकाल कर डॉक्टर बनना है, या IIT की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए कुछ इफेक्टिव वेज होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं संग्राम पवार और आज हम ऐसी इफेक्टिव वेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीख कर जाएंगे जो आपकी तैयारी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और आप पहले ही अटेम्प्ट अपनी एग्ज़ाम निकाल सकेंगे। पूरा वीडियो 6 इफेक्टिव वेज पर आधारित हैं, 6 प्रमुख स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर आप अपनी एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहली बात आती है मोटिव की। आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपको जीवन के हर लक्ष्य को हासिल करने में हेल्प करेगा। अगर मोटिवेशन है तो आप असंभव चीज़ भी कर सकेंगे। तो अगर आपने मोटिव क्लियर है कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, हर किसी का अलग मोटिव होता है। कोई पावर के लिए कार्य करना चाहता है, कोई पैसे के लिए कार्य करना चाहता है, कोई सोशल वर्क के लिए कार्य करना चाहता है, कोई नाम बनाना चाहता है। तो अगर आपका मोटिव क्लियर है, आप किस एग्ज़ाम या किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो क्लियर है, तो आपने आधी जंग वहीं जीती। और ऐसा कहा भी जाना है, वेरी वाई एंड वॉट इज क्लियर हाउ बिकम ईजियर। तो अब हम आते हैं हाउ वाले क्वेश्चन में। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से चालू होता है सिलेबस। जब आपने तय कर लिया कि आपको किसी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आपका सिलेबस सबसे बड़ा गाइड होता है। सिलेबस, आप कोई भी परीक्षा का सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड करिए, उस सिलेबस का बारीकी से अध्ययन कीजिए। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये सारा जो है आपका रिसर्च वाला भाग होगा। इसमें आपको सारी रिसर्च कर लेनी है कि आपको क्या क्या अलग अलग वर्गीकृत करके डिवाइड करके क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। जब आपने सिलेबस का अध्ययन पूरी तरह से कर लिया और रिसर्च वाला पोर्शन कर लिया, तो अब आते हैं हम तीसरे भाग में। क्योंकि रिसर्च एक बहुत बड़ा फैक्टर है और रिसर्च जो है आपको दिशा देगा, डायरेक्शन देगा। तो सिलेबस जो है आपका दिशा देने वाला या डायरेक्शन देने वाला जो है एक गाइड है। तो अब वहाँ से अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि ना मटेरियल एंड गाइडेंस। तो आज जिस युग में हम जी रहे हैं, ये युग जो है तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपके सबके पास मोबाइल है, हाथ में ही इंफॉर्मेशन है, आप तुरंत ही टाइप करके आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो मटेरियल आप या तो डाउनलोड करिए, वेरियस सोर्सेज है, यूट्यूब में बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट में जो है संसाधन अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट में आपको अगर तैयारी करने में दिक्कत है, तो आप किसी से गाइडेंस नहीं ले सकते हैं, किसी टीचर के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दोस्त के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं, या आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी देख सकते हैं। वेरियस एप्स अवेलेबल हैं। तो मटेरियल फॉर गाइडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप भी जब अपने पास सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का आपके पास अगर मटेरियल अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, वैसे सिलेबस मैंने कहा सबसे बड़ा गाइड सिलेबस ही है, उसके बाद आपने मटेरियल और गाइडेंस जब ले लिया, तो आपको जो है तैयारी अब करना है। तो तैयारी करने के लिए हम इसी में आते हैं हमारे चौथे स्टेप में, जिसे कहेंगे हम क्या, स्टडी या तो पढ़ाई या फिर हार्डवर्क या अध्ययन। तो जो चौथा स्टेप है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, तैयारी कर रहे हैं ये भी निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन जब हम आते हैं मूवमेंट में तो सब टाइप है फिश्ड। कोई भी जो है मेहनत करना नहीं चाहता, अपने कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे मेहनत नहीं करना चाहता। कुछ दिन तक के जो है एक मोटिवेशन बना रहता है, लेकिन बाद में नहीं आता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है आपकी तैयारी का। आपको जो है तैयारी करना है, आप कहीं से भी गाइडेंस ले लीजिए, किसी भी टीचर से आप गाइडेंस ले लीजिए, किसी के भी पास चले जाइए, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर मेहनत नहीं कर रहे तो आपकी सक्सेस नहीं होगी। कोई भी आप एस्पिरेंट को जाकर पूछ लें, उसकी सक्सेस में 90-95% रोल उस इंडिविजुअल का है, ना कि जो उसे गाइड कर रहा है। तो सबसे बड़ा रोल आ जाता है व्यक्तिगत। आपको खुद को तैयारी करनी है, अपने लिए तैयारी करनी है। तो यह जो है हमारे चार स्टेप्स क्लियर हुए, पांचवे स्टेप्स पर आते हैं। जो पांचवा स्टेप है ये है रिहर्सल का, सेल्फ असेसमेंट का। आपने देखा होगा विराट कोहली जब छक्के मारते हैं तो वो ऐसे ही नहीं जाते हैं, नेट प्रैक्टिस बहुत बार की जाती है,
बहुत बार जो है ट्राई किया जाते हैं, तब जाके जो है ऑन फील्ड जो है परफॉर्मेंस निकलता है, अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस निकलता है। तो आप सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे? आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी आपको रिहर्सल नेट प्रैक्टिस देगी और आपको रेडी करेगी किसके लिए? फाइनल डे के लिए, जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा। और एंड में जो छठवां स्टेप आता है वो है अपने आप से ईमानदारी, ट्रू टू योर सेल्फ। ये पूरा स्टेप जो मैंने बताया, आप अगर अपना करियर भी डिसाइड कर रहे हो तो मोटिव भी आपके अंदर से निकल के आना चाहिए, बाहर ही नहीं होना चाहिए। या आप जो पूरी तैयारी कर रहे हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो आपको ईमानदार रहना है अपने लिए, आपको तैयारी करनी है अपने लिए। अगर आप अपने लिए ईमानदार हैं तो आप ज़रूर ये सारी स्टेप कर पाएंगे। जो मैंने आपको चौथा स्टेप बोला, पढ़ाई इतना हार्डवर्क का, तपस्या का, वो भी कैसे होगा जब आप अपने लिए ईमानदार हैं। तो ये छः स्टेप्स अगर कोई फॉलो करता है तो ये मेरा दावा है कि वो पहले ही अटैम्प्ट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर सकता है। और जैसे विवेकानंद जी ने कहा है, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करो, उस लक्ष्य को अपने शरीर में भर दो और कोई भी विचार दूसरे जो है आपके जीवन में, उन सबको जीवन से निकाल दो, और यही जो है लक्ष्य की कुंजी है। उम्मीद है ये सारे छः स्टेप्स आपको बहुत ही मोटिवेटिंग लगे होंगे और आने वाले आपकी परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा सहायता देंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, तैयारी करिए और सक्सेस पाइए। थैंक यू वेरी मच।